हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने यहां पर एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं गौ माँ के बारे में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था, एनिमल का था, वो एक रील डाली थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपील की कि प्लीज़ सेव द एनिमल। इस प्रकार बहुत सारे कमेंट आए और वो मेरा वीडियो लगभग 4.5 लाख लोगों ने देखा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जो आप लोग हमसे कमेंट के माध्यम से अपील करते हैं कि सर प्लीज़ सेव द एनिमल, प्लीज़ हेल्प द एनिमल या सेव इट, या आपके बहुत द्रवित कमेंट हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये गाय जो चर रही है सामने, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और ये गाय जो ये इस प्रकार रोड में टहल रही है, ये हमारे द्वारा ही छोड़ी गई गाय है। मेरा एक काऊ के लिए और भी वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए बस आपसे एक ये अपील करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी अपील करना चाहते हैं कि जो भी भाई हमारे गाय को देखें या गौ माता को देखें या विचरण करते हुए कहीं पर देखें, तो अगर जैसे एक गांव की आबादी मान लीजिए 400 घरों की है, तो अगर प्रत्येक घर से एक रोटी इनको निकल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ घट जाएगा। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि पहली रोटी गाय की। तो अगर आप गाय नहीं पाले हैं, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग गाय नहीं पाले हैं तो क्या करते हैं, 10 घर दूर 20 घर दूर जा करके गाय को रोटी देते हैं जाकर। तो दोस्तों, आज की स्थिति ये है कि गाय माता अब आपके द्वार पे ही चल के आने लगी हैं या मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर आपके पास रोटी अवेलेबल है या चारा अवेलेबल है या हरे पत्ते अवेलेबल हैं, तो उनको आप कूड़े मत डालिए। या आपकी रोटी बासी बच गई, उसको आप स्टोर करिए। आप वहाँ पर एक कार्टन बना लीजिए, एक गत्ता बना लीजिए, उसमें आप ये सारी चीज़ें जैसे हरी सब्जियां हैं एक गत्ते में या रोटियां हैं, चावल हैं, इस प्रकार की चीज़ों को आप रखिए सजो करके। और ऐसा है ही नहीं कि आज के दिन में आपको 24 घंटे में एक बार गौ माँ के दर्शन न हो। जैसे ही वो दर्शन हो, आप तुरंत वो जो हरा चारा है या हम लोग कहें रोटी बची हुई है आपके यहाँ की या चावल बचा हुआ है, आप उसे दे करके कुछ मात्रा में अपना भला कर सकते। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी एक रोटी देने से आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, मगर आपकी एक रोटी से इनका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। जो हमारे पशुपालक भाई एनिमल लवर हैं, मतलब पशु प्रेमी हैं, तो उनके लिए सरकार की एक योजना भी है, भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की, हम लोग कहें क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है कि आप एक गाय को पालिए, सरकार आपको लगभग 900 रुपये देगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आपको सरकारी अस्पताल राजकीय पशु चिकित्सालय जाना पड़ेगा वहाँ पर, और उनके बारे में बात करनी पड़ेगी आपको वहाँ पर जा करके, और आप गाय पालिए, आपको सरकार, भारत सरकार 900 रुपये लगभग देगी। तो मतलब अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपको चूनी चोकर का रुपया भारत सरकार एक गाय पर दे रही है, और पर्याप्त मात्रा में पैसा भारत सरकार दे रही है। जो आप भूसा आप बेच देते हैं 1,000-2,000 रुपये का 3,000 रुपये का, आप उसे न बेचिए। मान लीजिए 3,000 रुपये आप किसी ट्रस्ट में दान कर रहे हैं, या हम लोग कहें कि आप अपने जीवन की अच्छाई करना चाहते हैं, या आप पशु प्रेमी हैं, या आपके पास खेत नहीं है, तो आप खरीद भी सकते हैं, थोड़ा सा चारा खरीद लीजिए। या आपके यहाँ का जैसे मान लीजिए कोई सारे पशुपालक भाई हैं, उन्होंने पशु भी पाले हुए हैं, तो अगर मान लीजिए वो पशु पाले हुए हैं, उनके यहाँ का चारा बच जा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि जो बचा हुआ चारा है उसको वेस्ट में न फेंकें, उसको गोबर में न फेंकें, उसको स्टोर करें। स्टोर कैसे करना है कि जैसे जो बचा हुआ चारा है उसको उठाकर रख लिया, फिर उसके रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसको वही सिस्टम करना है, एक गत्ता लेना है हमें, और उस गत्ते के द्वारा हमें वो सारी चीज़ों को सेव करना है। और जब उन सब सारी चीज़ों को हम लोग सेव कर लेंगे, तो जो भूसा बचा हुआ है, जब भी कभी आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, कहीं भी जो आवारा गाय आपको मिले या जिनको उनके पशु मालिकों ने छोड़ दिया है,
अगर ऐसी गाय आपको मिल रही तो आप उनको थोड़ा सा भूसा प्रोवाइड कर सकते हैं, सूखा भूसा, हरा भूसा या मिला हुआ भूसा। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेस्टेज है वो भी बच जाएगी और जो आपका वेस्ट हो रहा था, जैसे हमने अभी बात करी कि कई सारे लोग हैं रोटी फेंक देते हैं, चावल फेंक देते हैं, तो ये सारा जो आपका खाद्यान्न बर्बाद हो रहा था वो सारा खाद्यान्न कहाँ पर जाएगा? गौ माँ की सेवा में जाएगा। आपके लिए भी थोड़ा सा भला होगा और थोड़ा सा मानवता वाला दृष्टिकोण हम लोग अगर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा सुझाव है, किसी के लिए आदेश नहीं है, तो इसमें किसी को बुरा मानने वाली जैसी कोई बात नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ आप कुछ इस प्रकार करें। अगर आपके गाय घर पे आ रही तो आप उसका अनादर न करें, कुछ नहीं है तो आप कम से कम उसको एक रोटी ही दे दें। क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास इस प्रकार के आधुनिक साधन नहीं थे या हम लोग कहें इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, तो इन्हीं गाय ने या हम लोग कहें इनके जो बैल होते हैं, अषाढ़ होते हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। चाहे वहाँ तेल पेरने में, गन्ना पेरने में, चाहे हम लोग कहें कि विभिन्न प्रकार के पानी निकालने में, या हम लोग कहें किसी भी प्रकार का तेल निकालने में या खेत जोतने में, बहुत मदद की है इन लोगों ने एक ज़माने में हमारी। तो ये जो ज़माना आ गया है तो हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मारे ही नहीं पशु को, और अगर मदद कर सकते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा है। देखिए दोस्तों, आज जो समाज है उसको थोड़ा सा मानवता दृष्टिकोण लाना होगा, क्योंकि ये संसार केवल हमारा नहीं है। ये संसार जितना हमारा है, जितना पेड़ पौधों का है, जितना ऑक्सीजन का है, उतना ही इन पशुओं का भी है। तो दोस्तों प्लीज़, ये मेरी एक बिग अपील है कि आप अपने बर्बाद हुए खाने को बर्बाद मत करिए, डस्टबिन में मत डालिए, आप उस खाने को संजोइए और उस खाने की हेल्प से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बेजुबानों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।